थाना मंडी की इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित चौधरी तालिब हुसैन जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर सईद दर्शक अंद्राबी जी, जुगल डोगरा जी, अब्दुल कयूम मीर जी, अरविंद शर्मा जी, जाहिद अहमद जी, पुष्पिंदर गुप्ता जी, करामात मलिक जी, लियाकत चौधरी जी, तनवीर मलिक जी, अरशद सामियाल जी, अरसलान मलिक जी, गुलजार कुरैशी जी, अब्दुल गनी शाह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे उम्मीदवार श्री जैनब इकबाल मलिक जी के लिए ताली बजाइए। जो सबसे पहले मैंने थाना मंडी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करकर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में जब मैं आता हूं तब जम्मू कश्मीर के लोग मुझे कई बार कहते हैं कि सेना और सुरक्षा बल हमारी और देश की सुरक्षा करते हैं, मगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर से गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल बिहार चले जाएंगे, वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं। सन 47 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, या दहशतगर्दी के सामने लड़ाई हो, हर लड़ाई को यहां के पहाड़ी भाइयों बहनों ने, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों ने गोलियों को अपने सीने पर झेलने का काम किया है, और इस देश को और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने किया है। पूरे देश में इस मामले में ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए, गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए पूरे देश में एक सम्मान का भाव है, एक सम्मान का फीलिंग भी है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे प्रत्याशी मलिक जी के लिए आप लोगों के वोट मांगने के लिए आया हूं, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताओ भाई, आजादी के 75 साल समाप्त हो गए, ये पूंछ, रजौरी, डोडा, इस ओर के पहाड़ी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या? अरे यार जोर से बोलो, मैं दिल्ली से आया, हुआ है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है, पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार। इन्होंने हमेशा से इस क्षेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंता करी है, पूरे जम्मू कश्मीर को और विशेषकर ये पहाड़ी क्षेत्र को, पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया है। मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 किलो चावल मुफ्त मिलता था क्या? अरे भाई जोर से बोलो, मिलता था क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था क्या? जोर से बोलो, था क्या? मैं आज फारूक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूं कि किसने हमारे गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को विकास से महरूम रखा, और क्यों रखा आपने? जब हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने लगे, यहां भेद खड़ा करने के लिए
उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षण चला जाएगा। मैं आपको बताने आया हूं, यहां पर चौधरी तालिब हुसैन साहब भी मुझे मिलने आए थे मेरे घर पर। उस वक्त मैंने कहा था नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षण 1% भी कम करे बगैर हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देंगे। और आज मैं फकर से कह रहा हूं कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षण था वो गुर्जरों का जस का तस रखकर हमने पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देखा दिया। पहाड़ी भी खुश है और गुर्जर भी खुश है। और ये लोग कह रहे हैं कि गुर्जर और पहाड़ी बकरवाल को जो आंदोलन मिला है, आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है, उसको हम हटा देंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उमर छोड़िए, आपकी चौथी पुश्त भी आ जाएगी, हम ये आरक्षण को रिजर्वेशन को हटाने दे। मैं आज कह कर जाता हूं थाना मंडी में, भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। इतना ही नहीं, अभी तो आपको नौकरी में आरक्षण मिला है, आप मलिक जी को जिता दीजिए, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। आप तो संतुष्ट हो कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास वन की। अरे क्लास वन सी नौकरी से कुछ नहीं होता, इतने सालों से अन्याय हुआ है। जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता, तब तक आपका अन्याय दूर नहीं होगा। अरे प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी, गुर्जर बच्चे भी, बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाएंगे। यहां दूर दराज के क्षेत्र में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे भी, ईश्वर ने हमें भी इतनी ही अकल दी है जितनी बड़े बड़े शहरों में है, मगर यहां ट्रेनिंग का अभाव है। मैं आज कहकर जाता हूं, कमल के निशान पर मोहर दबा दीजिए, पूंछ रजौरी में आईएएस आईपीएस की परीक्षा के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, इतना नहीं, बच्चे को वहां रहने का खर्च होगा, पहाड़ से आएगा कोई गुर्जर बच्चा वहां जाएगा, खर्च होगा, उसको हर साल 10,000 रुपये का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। अगर इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई, इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, स्किल का ट्रेनिंग हुआ, इंटरव्यू देने का ट्रेनिंग हुआ, तो बच्चा आसानी से आईएएस आईपीएस बन पाएगा। और जम्मू कश्मीर छोड़ो, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक हमारे बच्चे आईएएस बन पाएंगे, इसकी व्यवस्था जनाब नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये लोग कुछ दिया नहीं है और लेने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का पुनर्विचार करेंगे। मैं फिर से कहकर जाता हूं, हम रिजर्वेशन का पुनर्विचार नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, इस बार इस पहाड़ियों पर कमल का फूल खिलाइए। ये चुनाव तीन परिवारों का यहां सहनशाह है, उसको खत्म करने का। 75 साल से अब्दुल्ला परिवार, गांधी नेहरू परिवार और मुफ्ति परिवार शासन कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका अधिकार नहीं है क्या? है या नहीं है?
अब तक जमहूरियत को उन्होंने अपने बूटों की एड़ी के नीचे कुचल कर रखा था। मोदी जी ने आने के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए, तहसील पंचायत के चुनाव कराए, जिला पंचायत के चुनाव कराए और जम्मू कश्मीर के 30,000 युवा आज जमहूरियत के रास्ते पर है। वहीं से आने वाले दिनों में एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर निकलेंगे, मंत्री बनकर निकलेंगे। अब तक मुझे बताइए जरा, किसने ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी के चुनाव रोक कर रखे? ये अब्दुल्ला परिवार ने रोक कर रखे, ये मुफ्ती परिवार ने रोक कर रखा। नरेंद्र मोदी जी ने जमहूरियत को गांव तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फारूक साहब, ये पहाड़ की वादियों में वोट मांगने तो आते हो, मगर जम्मू कश्मीर आपसे हिसाब मांग रहा है। 30 साल तक दहशतगर्दी चली, हमारे बच्चे हाथों में मशीन गन लेकर लड़ते रहे, शहीद हुए, मारे गए, पुलिस की ओर से मरे तो भी हमारे बच्चे बने और दहशतगर्दी में मरे तो भी हमारे बच्चे, कौन जिम्मेदार है इसका? 30 साल में 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, विकास रुक गया, एक पूरी नस पढ़े लिखे बगैर की हो गई, कौन जिम्मेदार है? फारूक साहब, आप और आपका परिवार जिम्मेदार है। 90 के दशक में जब यहां दहशतगर्दी हुई, तब आप तो इंग्लैंड में ठंडे में मौज मस्ती कर रहे थे और कश्मीर का युवा रोड पर मारा जाता था। आज भी डरा रहे हैं कि पहाड़ों में फिर से दहशतगर्दी आएगी, टेररिज्म आएगा। मेरी बात सुनकर रखो भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, हम टेररिज्म को पहाड़ में से गाड़ कर रख देंगे, इनको नहीं पनपने देंगे, नहीं। टेररिज्म से किसी का भला नहीं हुआ है। अरे फारूक साहब, आपने बच्चों के हाथ में बंदूकें और मशीन गन पकड़ाई, मोदी जी ने किताबें और कंप्यूटर पकड़ाने का काम किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, हम भी बंदूक पकड़ाएंगे, हम भी मशीन गन पकड़ाएंगे, मगर दहशतगर्दी की नहीं, सुरक्षा बल और सेना में स्पेशल भर्ती अभियान कराकर नौकरी देकर पकड़ाएंगे। ये तरीका होता है युवाओं को भविष्य को सिवारना। अरे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान से आतंक का फरमान कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। मैं आपको बताता हूं, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा, कोई वार्ता नहीं होगी। वार्ता होगी तो मेरे पहाड़ी बच्चों के साथ होगी, पहाड़ी बच्चों के साथ। भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, ये विनाशकारी एजेंडा से बाहर निकलना है और यहां पर डेवलपमेंट लाना है। मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, एक कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने विकास के लिए कुछ नहीं किया, विकास के लिए अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारा ये नेशनल हाईवे 144 से पूंछ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। शहादरा शरीफ से लेकर बड़ी वेग तक रोड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मंगोटा से दरहाल तक, हाईस्कूल राजधानी से बिसामोड़ा तक और गली से सहरद्रा शरीफ तक पक्की सड़क करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 2 कैबिनेट पहले ही मोदी जी ने तय किया है
कि देश भर के पहाड़ी क्षेत्र में 50 की भी जहां आबादी है वो सारे गांव मजरे टोले को वो आबादी को पक्की सड़क से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। इसको सबसे बड़ा फायदा हमारे पहाड़ पर होने वाला है। भाइयों बहनों, सोनी, सानुकोट, नाकी, तांडवल, ये सारे गांवों को पक्की सड़क में जोड़ा है और सहादरा शरीफ में बहुत जल्द ही उड़न खटोला रोपवे लगने वाला है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी और बुजुर्ग लोग भी चद्दर चढ़ाने के लिए सहादरा शरीफ पर जा पाएंगे। भाइयों बहनों, थाना मंडी में नया फुटपाथ बनाया, मुगल रोड में रेस्ट हाउस बनाया, थाना मंडी में जिला अस्पताल का निर्माण हुआ और पहाड़ी समाज को रिजर्वेशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, हमारा संकल्प पत्र घोषणा पत्र है कि पहाड़ पर सबसे वरिष्ठ महिला जो घर में है वो हर महिला को सालाना 18,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी करें। उज्ज्वला के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया कर दिया जाएगा, ये हमने तय किया। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है, अब से 10,000 मिलेंगे और खेती के बिजली दरों में 50% की हम राहत करेंगे और पहाड़ पर 500 पॉइंट तक बिजली का बिल हम माफ कर देंगे। जम्मू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, जम्मू में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रणजीत सागर बांध के लिए अलग झील बनाएंगे और मैं पूंछ रजौरी वालों को कहकर जाता हूं, अपने 5 तालाबों के आसपास पहलगांव जैसे 2 बड़े शहर बनाएंगे जिसमें दुनिया भर के यात्री आएंगे। भाई पहाड़ी यहां भी है वहां भी है, बर्फ यहां भी है वहां भी है, हरियाली यहां भी है वहां भी है, 75 साल तक यहां नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो चाहते नहीं थे। मैं आपको बताकर जाता हूं, भारत सरकार 2 शहरों का विकास करेगी जो पहलगांव की तरह एक विश्व भर में पूरी दुनिया में पर्यटन का सेंटर बनेंगे, जिससे हमारे पर्यटक बढ़ेंगे। और भाइयों बहनों, मोदी जी के राज में 2014 के पहले पर्यटकों की संख्या 30 लाख तक सीमित थी, अब 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के शासन का कमाल है। हम 5 लाख सरकारी रोजगार पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज करने वाले विद्यार्थी को 3,000 सालाना देंगे। किश्तवाड़ में आयु सर्बल पार्क, दोड़ा में पर्यटन उद्योग, जम्मू में आईटी हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब बनाकर जम्मू संभाग के लिए पूंछ रजौरी सहित एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाकर समग्र क्षेत्र के विकास का हम काम करेंगे। पहाड़ पर घर बनाने के लिए 5 मरला भूमि मुफ्त में देंगे और पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दिया है, गुर्जरों को जो रिजर्वेशन दिया है, उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। भाइयों बहनों, एक और मोदी जी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं और दूसरी ओर
पाकिस्तान ने भेजी हुई दहशत गर्दी बढ़ाने वाले गांधी, नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के लोग हैं। मैं आज आपसे दिल्ली से आकर कहने आया हूं, आप मलिक जी को विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, बनाओगे क्या विधायक? अरे ऐसे नहीं चलता भाई, जोर से बोलिए, जरा पहाड़ियों पर आवाज जानी चाहिए। विधायक बनाएंगे, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, पहाड़ों को हरा भरा और पर्यटन से युक्त करेंगे। क्या आप सभी का इतनी देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको वादा कर जाता हूं, मलिक जी को जिता कर दीजिए, मैं थाना मंडी में आकर एक दिन जरूर आप लोगों के साथ रुकूंगा और आपके दुख दर्द पूछूंगा। नमस्कार, भारत माता की जय। आजाद।